ओके बच्चों, देखिए लास्ट टाइम लास्ट क्लास में हमने एट्थ एग्जाम्पल कर लिया था, ठीक है। और ये होमवर्क दिए थे, होमवर्क के डाउट्स के बारे में मैं इसके तीन एग्जाम्पल पेंडिंग है, पहले वो करवा के फिर डाउट्स लेता हूं। चलिए 1.3 थ्री पे है ना अभी। एग्जाम्पल 9 जरा ध्यान से देखिए बेटा। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 9? लेट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर का सेट जो है आपका यूनिवर्सल सेट हो गया यू। इसमें नेचुरल नंबर आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी इनफाइनाइट तक, ठीक है। फर्स्ट हमने हर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट सभी बच्चे जानते हैं, उस सेट को के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल में जो बच जाता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये यूनिवर्सल सेट हो गया जो यू दे रखा है, ये कोई सेट ए हो गया, तो इसको छोड़कर बाहर वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होता है मेरा, ए का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, साइड में जो जितना भी एरिया है उसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो ए का कॉम्प्लीमेंट। यहां पर ए सेट फर्स्ट केस में क्या है, एक्स आएंगे, एक्स नेचुरल नंबर है एंड वो एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि 3 ही एक इकलौता ऐसा नेचुरल नंबर है जो इसमें पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि यहां पर ए सेट के अंदर 3 आ गया और यूनिवर्सल में सारे नेचुरल नंबर है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे बेटा, ए के कॉम्प्लीमेंट में सारे नेचुरल नंबर आएंगे, किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। आप लिख सकते हो एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू 3, ये आंसर लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो अच्छा, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फिर उसमें मेंशन तो करना पड़ेगा ना। रोस्टर फॉर्म में 1, 2 कुछ ऐसा बना के लिखो जिससे क्लियर हो जाए। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब यहां पे क्लियर है कि ए के अंदर नेचुरल नंबर आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में 3 को छोड़कर, यानी कि ये बाहर वाले आगे 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश 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 सारे जो यूनिवर्सल सेट में हैं ए को छोड़कर। सेकंड में आइए, सेकंड वाले को मैं बी सेट का नाम दे देता हूं। सेकंड आपका बी सेट हो गया, उसमें एक्स है बेटा, एक्स नेचुरल नंबर है एंड जो एक्स है वो क्या है, 3n। 3n मतलब वो नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल हैं। यानी अगर मैं बी में बात करूं तो इसमें आएंगे 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश, इनफाइनाइट सेट है, काफी सारे नंबर आ सकते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, यूनिवर्सल में से इस बी को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। यूनिवर्सल में से इस बी को हटा दीजिए, हटाना जरा बी को, क्या क्या हट जाएगा, 3 के मल्टीपल। तो सेट बिल्डर में इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट रहेगी कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट एक्स नॉट इक्वल्स टू 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं होगा,
3n का मतलब है n आप 1 लोगे 2 लोगे तो 3 6 9, 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नेचुरल नंबर इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। बात समझ आई? नहीं आई तो एक बार वेन डायग्राम में और अच्छे से समझा देते हैं कि ये यूनिवर्सल हो गया, इसमें तो सारे नेचुरल नंबर हैं ही, ये मेरा सेट ए हो गया कोई, इसमें आ रहे हैं 3 6 9 12 15 डैश डैश डैश, बाहर बच गए 1 2 3 4 5 6, वहां गया 7 8 डैश डैश, बाकी सारे नेचुरल नंबर। तो ये हो गया मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट, 3 के मल्टीपलों को छोड़कर जो बच गए नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट करें इसका, देखिएगा नाइन्थ का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, मैं उसे एक बार के लिए सी सेट लेट कर लेते हैं। सी सेट है एक्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। सुनो, ये सेट सी है जिसमें आएंगे 3 और 5 एंड है बीच में, मतलब वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। अरे यार मैं ये ना कह दूं कि 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब वो 15 से डिवाइड होना चाहिए। जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो गया, जो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा, गारंटी है वो 15 से होगा ही होगा। तो यानी कि सीधा इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहा है 15 के मल्टीपल आएंगे, कौन कौन से, 15 30 45 60 75 90 एंड सो ऑन। अब सुनो इसका कॉम्प्लीमेंट देने का कैसे लिखेंगे, एक्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जरा ध्यान से देखिए मैं इसको यूं लिख रहा हूं, एक्स नॉट इक्वल्स टू 15 n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 15 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। n छोटा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब n 1 होगा 15 आएगा, 2 होगा 30 आएगा, 3 होगा 45 होगा, वो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नेचुरल नंबर, बाकी सारे नेचुरल नंबर 15 के जो मल्टीपल है उनको छोड़ दो। हमने अपनी सेंस में लिख दिया, दिक्कत क्या है उसमें, बात तो वही है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो हो गया, इसको छोड़कर बाकी सारा। ऊपर क्या कह रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आप लिख भी सकते हो सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट में, एक जो सिंपल से सिंपल आंसर होता है वो ये देख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, बात ही खत्म, ये सबसे सिंपल आंसर हो गया। वो तो दे ही सकते हो कि बीच में सिर्फ नोट लगा के, वो तीनों में कर सकते हो नोट लगा के, ठीक है, एनी डाउट। तो क्या मैं एग्जाम्पल 10 पे चल सकता हूं, पक्का बोलिए भाई, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल 10 क्या है, a माइनस बी ए के इक्वल है, सब्ट्रैक्शन ऑफसेट मैंने कल समझा दिया था अच्छे से, ध्यान से वेन डायग्राम से देखना, ये केस तभी हो सकता है जब ए और बी अलग अलग हो, दिस बी सेट ए दिस बी सेट बी, अगर ए और बी में कुछ कॉमन होता, कुछ कॉमन होता तो पक्का सब्ट्रैक्शन के टाइम बी उसमें से कॉमन एलिमेंट हटा लेता, तो वो ए तो नहीं बचता ना, ओनली ए बचता, ए तो नहीं बोल सकते थे, बट ए माइनस बी अगर ए आया है तो इसका मतलब बी उसमें से कुछ भी नहीं हटा पाया, और वो हटा कब नहीं पाएगा, जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ओनली और ए में क्या फर्क है, इधर देख, ऊपर वाले केस में तो ना गौरी ओनली ए और ए की बात है,
सेम चीज है ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाले में बात करें तो ए तो ये पूरा है येलो शेड वाला, ठीक है, और ओनली ये वाला है, सिर्फ ये ना, उसमें तो फिर बी भी इंक्लूड हो गया ना, ओनली ए कि नोट बी, उसके अंदर येलो को अगर देखे तो पूरा ए आ गया, और ओनली ए में सिर्फ इतना पोर्शन होता है, उसमें बी वाले नहीं आते जो बी के साथ कॉमन है, ओनली ए। यहां पर ए और ओनली ए सेम है फर्स्ट केस में, क्योंकि वहां बी के साथ कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यानी कि यहां की बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो है वो ए भी बोल दो इसको, ओनली ए भी बोल दो। अब मैं हाँ हाँ अगर ए में से बी माइनस करके वापिस ए आ रहा है तो ये केस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुन अगर ए में से बी माइनस करते तो माइनस का रूल क्या होता है कि ये एलिमेंट हटा देता तो वो पूरा ए तो नहीं बचता ना, लेकिन ये बच रहा है, ए माइनस बी वापिस ए आ रहा है, इट मींस ये केस रहा होगा, बी कुछ हटा ही नहीं पाया होगा उसमें से, कॉमन होता तो हटा लेता। समझ बेटा, बुक आपके पास, चलो फिर ठीक है, तो ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही, पक्का? तो इसको अभी तो मैंने समझाया है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है अगर ये केस बन रहा है तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, फाई। तो जस्टिफिकेशन वेन डायग्राम से तो दे दी मैंने कि भाई ए माइनस बी अगर ए के इक्वल है, क्या मतलब हुआ कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, फाई। इसको ऐसे लिखेंगे कैसे, अगर लिखना हो तो गिवन है मेरे पास ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए, दिस मीन्स ए एंड बी हैज नो कॉमन एलिमेंट्स, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाइव। सीधा सीधा एक लाइन का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इनमें, समझ आ गया? ठीक है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, फाइव। लास्ट एग्जाम्पल है, देखिएगा जरा ध्यान से क्या क्या कह रही है एग्जाम्पल, सुनो पहले आपको समझाता हूं। ये एक यूनिवर्सल सेट है यू, यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, इसमें आ रहे हैं दुनिया में जितने भी प्लेन में ट्रायंगल लाई करते हैं वो सारे, एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल होंगे वो सारे आ रहे हैं इसके अंदर, इसी के अंदर एक सेट है ए, इसमें क्या आ रहे हैं, ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी ऑल ट्रायंगल व्हिच आर नॉट इक्वी लेटरल ट्रायंगल। सुनो ध्यान से, इसने कहा है ए सेट के अंदर एक बॉक्स ऐसा लिया जिसके अंदर दुनिया के सारे ट्रायंगल, राइट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल सारे आ गए, लेकिन उसके अंदर एक सेट ए ऐसा है जिसके अंदर सारे ट्रायंगल आ रहे हैं जिनका एक एंगल 60 से अलग होगा, 60 से अलग होगा मतलब वो इक्विलेटर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इक्विलेटर नहीं आने चाहिए, क्योंकि दुनिया में तीनों एंगल 60 सिर्फ किसके होते हैं,
इसलिए बोला है एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऑल ट्रायंगल विच आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या बच गए, सिर्फ क्या बच गए, जो क्या होंगे इक्विलेटरल, जिसमें सारे एंगल किसके होंगे, मतलब बाहर बाहर कौन से ट्रायंगल बच गए जिनके सारे एंगल किसके होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहानी समझ आई आपको? आई इधर बेटा, इधर से क्लियर है सभी को? तो लिखेंगे कैसे, ए सेट के अंदर क्या है, यू क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन, ए मैंने मान लिया जो इन्होंने दिया हुआ था कि ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यूनिवर्सल में से है वाले माइनस कर दो, कौन सा बचेगा, यानी ऑल ट्राइंगल्स इसमें ये लिख दो, या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सीधा लिख दो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, या यू लिख सकते हो ऑल ट्राइंगल्स विद ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री, और में इसमें ये भी लिख सकते हो ऑल यस और नो। कहानी सिंपल है, सारा समझ का खेल है प्लस वन में, ये ध्यान रखिए। कैलकुलेशन करते जाओ करते जाओ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, टोटल अंडरस्टैंडिंग पे है। रेयरली कोई दो या तीन चैप्टर में कैलकुलेशन आएगी जिसमें थोड़ी ठीक ठाक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उससे गंदी आप 10th में कर चुके हो, ठीक है, एरिया वॉल्यूम सर्कल में बहुत कर चुके, इतनी गंदी कभी नहीं आने वाली, ठीक है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से फ्री हो जाओ, चले समझ आ गया। अब हो गया टाइम है डाउट्स टाइम, ₹1.2K भी पेंडिंग है एंड ₹1.3K भी। अच्छा मैंने 1.3K सॉल्यूशन सेंड किए थे, मिल तो गए थे ना, ठीक है कोई बात नहीं, उससे भी नहीं हुए आने देना। वैसे 1.3 में आपको सच बताना डाउट आए, एक या दो आएंगे होंगे, क्योंकि सिर्फ सीधे सीधे यूनियन इंटरसेक्शन या सब्ट्रैक्शन के दे है ना, फिर भी पहले 1.2 के है क्या, पहले 1.2 के बोलो। क्वेश्चन 11 क्या हो गया, ये पूछा होमवर्क, अच्छा 1.3 के क्वेश्चन थर्ड, ओके नेक्स्ट सेकंड का थर्ड और फोर्थ पार्ट, और बताइए डाउट बोलिए बेटा, और है किसी का, और कोई होमवर्क किया बेटा, यहां से उदित डाउट किया ना, ठीक है। देखो इसके बाद पॉइंट फोर पर चलेंगे, पहले इनको डिस्कस करते हैं। आइए 1.2 निकाल लीजिए और उसका क्वेश्चन नंबर 11, 12, ऐसा क्या है कि 11, 12 ओके
लिखने कुछ है ही नहीं ज्यादा इनमें, देखो 11 प्रूव दैट इफ देन ए इज इक्वल्स टू फाइव। फाइव का मतलब होता है एम्प्टी सेट, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सुनो, फाइव इज एम्प्टी सेट, तो देर इज नो एलिमेंट इन सेट फाइव। ऑल्सो ए इज सबसेट ऑफ फाइव, सो दिस इंप्लाइज ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन फाइव। ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे किसमें मिलेंगे, फाइव में। सबसेट का ये मीनिंग होता है, सबसेट मतलब ए के सारे एलिमेंट किसमें आ जाएंगे, फाइव में। ठीक है, फाइव पहले से ही खाली है, फाइव पहले से ही क्या है, खाली है। इसको बाद में लिख दो, इस लाइन को ना नीचे लिख दो। कि पहले तो ये हो गया सबसेट है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर फाइव, फाइव एम्प्टी, कोई एलिमेंट नहीं है फाइव में, सो दिस इंप्लाइज ए इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। ठीक है, सो ए इज इक्वल्स टू फाइव, या इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करो। तो यूं लिख सकते हो कि फॉर ऑल एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू फाइव, ए इज सबसेट ऑफ फाइव, सो दिस इंप्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल एक्स, कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, फाइव। ए इज ऑल्सो कौन सा, छोड़ दे, जरूरी नहीं है, मेन वो है नहीं, जहां जरूरत होगी वहां समझाऊंगा ना, धक्के पजल मत हो एक बार। अभी 1.4 में थोड़े थोड़े चक्कर भी आने वाले हैं आपको, क्योंकि उसमें ना जब प्रूव करने आएंगे, कराऊंगा बहुत स्लो, दिन के हो सकता है 3 ही क्वेश्चन हो, 3 या 4 थ्योरम्स है ना, आते ही थ्योरम्स प्रूव करनी है। हालांकि वो शायद 1 या 2% चांसेस है, जाते ही आपके स्कूल वाले बोले 1.4 सिलेबस से कट है, 1 या 2% चांस। लेकिन आपको अपनी प्लस टू के लिए रिस्क नहीं लेना है, ये चीजें समझनी है। कट होंगी तो रिवीजन टेस्ट में नहीं लेंगे हम, ठीक है। एक बार चीज +1 में है तो उसको सुन लो, एंट्रेंस वगैरह में कहीं ना कहीं आके सारे रिलेटेड हैं टॉपिक। स्कूल वाले शायद ये बात बोल सकते हैं 1% की, प्रूफ वाले नहीं आएंगे, बट हम एक बार जरूर करेंगे, मना कर देंगे तो रिवीजन टेस्ट में नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन मेन अगर चैप्टर देख के हम सेट, तो 1.4 ही हमें सिखाएगा रियल सेट, कि कैसे एक दूसरे की प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, कैसे एक दूसरे का सबसेट दिखाना है, 1.4 से ही पता लगेगा। चलिए, ये हो गया। 12th में क्या था, 12th वाला तो इजी, और 12th वाले पे इंपॉर्टेंट टिक करो। आ सकता है, फुल चांस है। प्रूव दैट गिवन है, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है। टू प्रूव, ये डाउट आना बनता है। अब मुझे बताओ ये किसका हो गया जिसका डाउट नहीं आया। हाँ, लिखने की बात मैं कह रहा हूं, ये नहीं होगा किसी से, लिखना भी नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूं, सुन लो जरा ध्यान से।
पहले तो मैं रिपीट कर दूं, पावर सेट में आता क्या है? सारे सबसेट। मान लीजिए ए आपके पास 1 और 2 ए में, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर ए के सारे सबसेट आएंगे। 1 आ गया 2 आ गया 5 आ गया 1 एंड 2 आ गया। ये तो पता है ना जी? वो भी करना है क्या पीछे वाला? हाँ ना अनिश, तू इधर हो जा फिर, बिल्कुल कॉर्नर में। भाई इसके अंदर से निकल जाती है आवाज, तो इसे नहीं थोड़ा, हमारी स्टील बॉडी है ना ये। देखो, दो सेट आपस में इक्वल दिखाने हो तो उसका क्या रूल होता है? अभी देख लेना, पूरी 1.4 इसी फंडे पे लागू है। दो सेट इक्वल दिखाने हैं तो क्या करोगे? ये दिखा दो, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। समझ आ गई बात? ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो दोनों ही आपस में कैसे होगी? इक्वल। ए के सारे एलिमेंट बी में, ये दिखाने के लिए मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट ए में है तो बी ए का सबसेट है। तो यहां से मैं पहले ही आपको ये दिखा देता हूं कि मेरे को प्रूव जो करना है इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए, ये प्रूव करना है, एक तो ए के सारे एलिमेंट किस में मिलेंगे? बी में, और बी के सारे एलिमेंट किस में मिलेंगे? ए में। अगर एक दूसरे के सबसेट प्रूव कर दिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों सेट क्या है? अब सबसेट का तरीका देखो, प्रूफ फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि मैं कोई एलिमेंट लेकर चला, जनरल एलिमेंट, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये दिखा रहा हूं ए बी का सबसेट है, तो मैं ये दिखाऊंगा अभी कि जितने भी एलिमेंट मैं ए के मान के चलूंगा वो सारे किस में लाई कर जाएंगे? बी में। जो भी स्टेप ना समझ आए बताना। मैंने मान लिया ए का कोई जर्नल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है ए में एक्स, तो अगर इसका सेट बना दूं तो क्या वो ए के पावर सेट में जाएगा? सोच के बताओ भाई। ए में 1 लाई कर रहा था, 1 का सेट बना दिया तो उसके पावर सेट में गया। ए में 2 लाई कर रहा था, 2 का सेट बना के वो उसके पावर सेट में जाएगा। अगर ए में एक्स लाई कर रहा है और एक्स का सेट बना दे तो उसके पावर सेट में जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? कंफर्म। अगर ये पी ए में जा रहा है तो ये पी बी में जाएगा। पूछो क्यों? गिवन है पी ए और पी बी तो इक्वल है। अब एक बात बताओ, ये सेट पी बी में बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ बी में, तो इसका एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा? इसका एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा? बी में ना। ये सेट पावर सेट ऑफ बी में आ रहा है, इट मींस एक्स किससे बिलोंग कर जाएगा? एक्स बी में रहा होगा तभी तो उसका सेट बन के बी के पावर सेट में गया होगा। कहानी समझ आ रही? पक्का? ठीक है। यानी कि मैं लास्ट में लिख सकता हूं, यानी फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट मैं ए के लूं, भाई एलिमेंट लिया ए का था, दिखा दिया उसको बी में, इस तरह से मैं ए के जितने भी एलिमेंट, एक्स तो जनरल था, लूंगा वो सारे किस में दिखा सकता हूं? यानी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने एक्स ए में जा रहे हैं दिस इंप्लाइज वो सारे एक्स किस में जाएंगे? बी में जाएंगे।
तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इक्वेशन नंबर वन। भाई जितने एलिमेंट ए में जा रहे हैं, फॉर ऑल लिखा है मैंने, वो वी बना के ये कट वाला साइन फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल एक्स जो जो ए में जाएगा वो सारे के सारे इस तरह मैं किसमें प्रूव कर सकता हूं, बी में जाएंगे तो ए बी का सबसेट हो गया। नेक्स्ट देखिए एक बार, सिमिलरली से काम नहीं चलेगा, जहां करना होगा वहां मैं अपने आप ही बता दूंगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन बना तब हम सोच सकते हैं। ठीक है, अगेन नाउ लेट, अब किसके एलिमेंट लेकर चलें, वाई मान लेता हूं, वाई कोई एलिमेंट है जो बी सेट में है, सेम यही स्टेप, तो अगर उसका सेट बना दूं तो बी के पावर सेट में जाएगा वो, अगर बी के पावर सेट में गया, पावर सेट ऑफ ए में जाएगा, रीजन, अच्छा ए के पावर सेट में जा रहा है तो इसके एलिमेंट जो है वो पक्का किससे बिलोंग करते होंगे, यस और नो? इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो बताओ क्या, अरे सुन तो ले, कि भाई अगर ये सेट पावर सेट में जा रहा है तो पक्का है कि ये किसका सबसेट रहा होगा, ए का। भाई पावर सेट में तो, पावर सेट में तो सबसेट ही जाते हैं ना, तो ये अगर पावर सेट में जा रहा है तो ए का क्या रहा होगा, सबसेट, और ए का सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, ए में, तो वाई किस में बिलोंग कर गया बेटा, बताओ बताओ, ए में बिलोंग कर गया, यानी फॉर ऑल जितने भी वाई बी में बिलोंग करेंगे, दिस इंप्लाइज वो सारे वाई ए में भी बिलोंग कर जाएंगे, तो बी जो है वो सबसेट हो गया किसका, ए का, बी जो है वो ए का सबसेट हो गया, फ्रॉम वन एंड टू एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो ए किसके इक्वल हो गया, बी के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन चार, दो या तीन नंबर में आ सकता है, ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन, जो कि 99% 99% स्कूलों में आएगा, समझ रहे हो, हिसार में जितने भी स्कूलों के पेपर बनते हैं वो क्वेश्चन जरूर डाला जाता है, अगर ये प्रूव करने वाले देते हैं तो। अभी बताऊंगा वो क्वेश्चन कौन सा, वो 1.4 में ही आएगा, वो उस पे जितने वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकेंगे हम लिखवाएंगे, और वो क्वेश्चन आपको बताऊं तो वो क्वेश्चन है, यस, 1.4 का फिफ्थ एग्जाम्पल, 1.4 का फिफ्थ एग्जाम्पल है, पेज नंबर 1.41 पे, पेज नंबर 1.41 पे अगर आप देखोगे तो, फिफ्थ 1.41 पे एग्जाम्पल फिफ्थ, ये वो एग्जाम्पल है जो लगभग हर टीचर देता है, अगर प्रूव करने वाला देगा तो, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अभी हमारी डिस्कशन डाउट पे हो रही थी, तो मैं ये कट कर रहा हूं भाई, 11th भी हो गया, 12th भी हो गया, ये 1.2 हो गया, अब चले 1.3 पर आइए। 1.3 का पहला डाउट हमें बताया गया है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखो भाई, इफ ए इज इक्वल्स टू एक्स 3n, एन बिलोंग्स टू जेड, और बी इज इक्वल्स टू एक्स 4n, एन बिलोंग्स टू जेड। एक बात बता, थ्री के मल्टीपल, थ्री
आगे 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ……। इंटीजर है ना, नेगेटिव वाले भी आएंगे, नेगेटिव वाले भी आएंगे, कोई बात नहीं। यहां देखो 4 में 0, 4, 8, 12, 16 और माइनस का 4। आपको क्या लग रहा है ए और बी में कॉमन? सुनो एक बार, पहले मेरी बात सुनो। कॉमन सिर्फ वही एलिमेंट है जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 4 से भी डिवाइड हो, जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 4 से भी डिवाइड, कह दूं डायरेक्ट जो 12 से डिवाइड हो रहे हैं, जो 12 के मल्टीपल हैं, क्या सिर्फ वही कॉमन नहीं आ रहे? भाई जो 3 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा वो दोनों में आएगा, उसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, और जो 3, 4 से होगा इट मींस वो 12 से हो रहा है। तो क्या मैं इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन लिखने होते हैं तो क्या इंटरसेक्शन में ये लिख दूं x आएंगे, ठीक है, x आएंगे वो x जो 12 के मल्टीपल होंगे और n बिलोंग्स टू z। बताओ ये लिखने में किसको प्रॉब्लम? इंटरसेक्शन में कॉमन ही होते हैं, तो फिर इनफाइनाइट ही है। मैं कब फाइनाइट कह रहा हूं? ये पीछे भी डैश 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 लगेगा, पीछे भी डैश 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 है, मैं नेचुरल के अकॉर्डिंग लिख रहा था ना। बताओ क्लियर? नेक्स्ट, हाँ यही था और क्या करना है। चलिए अगला कौन सा है? सेकंड का थर्ड और फोर्थ। सेकेंड के थर्ड के अंदर हमें क्या निकालना है? दोनों की यूनियन निकालनी है। फाइव नहीं लिया हुआ, हम कैसे लेंगे? रुक तो, रुक एक सेकेंड, मैं बता, हाँ मैं बता देता हूं, वेट तो कर, शांति रख। इधर देख, ए क्या है? 5, 10, 15। बी क्या है? 5। अब सुन जरा, 5, 10, 15। 5 को दूसरा तरीका पता है लिखने का, ये। अब तू इनकी यूनियन में बता, ऊपर वाला भूल जा। अब बता मैं क्या लिखूं यूनियन में? 5, 10, 15। यहां कुछ है जो लिखूं? बताओ अब। लिख दिया तो गलत, लिख दिया तो गलत। वेट करो, वेट करो, आपकी कंफ्यूजन अभी दूर करता हूं। आप पता है क्या कह रहे हो? जो आप कह रहे हो वो चीज कब होगी, सुन लीजिए। अगर अगर ये चीज यूं हो, यूं, अब बी एक सेट है जिसमें फाइव एक एलिमेंट है। अब बी एक सेट बन गया जिसमें फाइव उसका क्या बन गया? एक एलिमेंट। अब करो ए यूनियन बी, अब आपके पास 5, 10, 15 एंड 5 अब आएगी ये चीज। ध्यान से कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, क्लियर? हाँ, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कैसे है कैसे नहीं है। फोर्थ वाला, ये थर्ड था ना, फोर्थ क्या है देख जरा ध्यान से। इवन ओड है, फाइव नहीं आएगा, एक में इवन आ रहे एक में ओड आ रहे, नहीं आ रही समझ? कि ए जो सेट है उसमें इवन इंटीजर है, सॉरी ओड इंटीजर है, ओड में आगे 1, 3, 5, पीछे -1, -3 और बी में क्या आगे? इवन 0, 2,
फोर माइनस टू माइनस फोर, क्या कॉमन लिखोगे भाई इनमें, यूनियन, सॉरी एक सेकेंड ना, यूनियन निकालना भाई, यूनियन निकालना है, हाँ यूनियन निकालना, मैं इंटरसेक्शन सोच रहा, इंटरसेक्शन तो इनकी फाई आएगी, कुछ भी कॉमन नहीं है, यूनियन में ए के भी सारे सेट आएंगे और बी के भी सारे सेट आएंगे। अब खुद देखिए, ए और बी को मिला दें तो क्या सारे इंटीजर नहीं होंगे? तो अगर मैं ये लिखूं एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड, दैट्स इट, कहानी खत्म। जी हाँ, जिस शक्ल में क्वेश्चन पूछा हो ना, कोशिश किया करो उसी में आंसर छोड़ दें। हो गया, यस और नो, डाउट क्लियर? चलिए अब शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, देखिएगा भाई, सबसे पहले तो आपके जो लॉ पढ़े थे ना आपने, जितने भी मैंने इंटरसेक्शन के, यूनियन के, जितने भी लॉ लिखवाए थे उनके प्रूफ है, पहले वो सारे प्रूफ करेंगे फिर एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे। कम से कम 2 दिन मुझे प्रूफ में ही लगने वाले हैं, ठीक है? बहुत मजेदार है, समझ आ गए तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आसान इतने हैं, जरा देखिए। फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, फर्स्ट प्रूफ करना है ए यूनियन ए ए के इक्वल है। वैसे होता भी है, होता भी है ना, ए की यूनियन किसी सेट की यूनियन उसी के साथ वही आती है, आती है नहीं आती? क्या बोल रखा है यार, खड़े नहीं हो रहा, क्या बोल रखा है? चलो नीचे, गुड मॉर्निंग, चलो नीचे, शोर करते रहेंगे यहाँ खड़े करते। एक सेट की उसी के साथ यूनियन क्या आएगी? वही। लेकिन प्रूफ करना है तो ध्यान से, जब भी दो सेट को इक्वल दिखाना हो क्या मेथड है? ए यूनियन ए को किसका सबसेट दिखा दीजिए और ए को किसका सबसेट दिखा दीजिए, ठीक है ना? सबसेट के लिए पहला काम, प्रूफ। मैं एक्स लेके चला किससे बिलोंग करता हुआ, लेट एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए से। यूनियन का मतलब होता है, यूनियन में अगर कोई चीज आ रही है, सुनिएगा, यूनियन में अगर कोई चीज आ रही है, या तो वो पहले सेट में बिलोंग करती होगी या वो दूसरे सेट में। यूनियन में ये जरूरी नहीं कि दोनों में हो, अगर एक में भी होगी तो भी उनकी यूनियन में आ जाएगी। तो अगर एक्स इनकी यूनियन से बिलोंग कर रहा है तो इट मींस एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट या फिर एक्स बिलोंग्स टू सेकंड सेट, दोनों ही है ना? अगर मैं दोनों से ही देखूं तो एलिमेंट फाइनली जा कहां रहा है,
ए में जा रहा है, ठीक है, यानी जितने भी एलिमेंट मैं लूंगा ए यूनियन ए से, वो सारे एलिमेंट कहां चले गए, ए में। ए यूनियन ए के जितने भी एलिमेंट लोगे वो सारे लास्ट में ए में आ जाएंगे, तो ए यूनियन ए किसका सबसेट होगी, ए का इक्वेशन वन। फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स यूनियन में लूंगा मैं, इन दोनों सेट की यूनियन में लूंगा, वो सारे के सारे किस में प्रूव हो जाएंगे, ठीक है, ए में। यानी इस सेट के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट। यही मैं लेकर चल रहा हूं, लेट वाई बिलोंग करेगा ए से, दिस इंप्लाइज वाई अगर ए से बिलोंग कर गया तो ये कंफर्म है ना कि वाई ए की हर यूनियन के साथ जाएगा। जरूरी नहीं, अगर वाई ए में बिलोंग कर गया ना, वो ए के यूनियन के साथ तो जाएगा ही जाएगा। आप इसे ये भी लिख सकते हो कि ए में बिलोंग कर गया तो वाई ए यूनियन बी, वाई ए यूनियन सी, किसी भी सेट के साथ यूनियन बना दो उसमें जाएगा ये। क्यों जाएगा, यूनियन में ए के सारे आते हैं और दूसरे एलिमेंट के भी सारे आते हैं दूसरे सेट के, तो अगर कोई एलिमेंट ए में ही जा रहा है तो उसकी यूनियन में पक्का जाएगा। तो बस यहां से सीधा ही एक ही लाइन के हैं ये, एक एक लाइन के। सो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज वाई बिलोंग करेंगे ए यूनियन ए से, ए किसका सबसेट हो गया, ए यूनियन ए का। वन और टू से, फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू ए किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन ए के। ए किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन ए के, प्रूव हो गया, सिंपल पक्का। इसी तरह से सेकंड देखिए, फर्स्ट थ्योरम का इस सेकंड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन ए वापिस किसके इक्वल होती है, ए के। भाई ए और ए सेम सेट में से कॉमन एलिमेंट निकाले जाए तो सारे आ जाएंगे, अगर दो सेट हैं सेम हैं कॉमन एलिमेंट निकालूंगा तो सारे एलिमेंट निकल आएंगे, वापिस ए आ जाएगा। इसको भी प्रूफ करने के लिए प्रूफ जो लेकर चलेंगे यही काम करेंगे। पहले किसका एलिमेंट लेके चलेंगे, लेट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन ए से। कोई इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो उसका मतलब जानते हैं, दोनों में होगा तो बीच में और की बजाय क्या आ जाएगा, एंड। यानी एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है, दोनों से एक चीज तो पक्का है कि एक्स किस में जाएगा, ए में जाएगा। ए में जाएगा तो फॉर ऑल जितने भी एक्स इंटरसेक्शन में जा रहे हैं वो सारे एक्स ए में जाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए किसका सबसेट आ गया, ए का, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। सेकंड, वाई बिलोंग कर रहा है ए से, इसमें डायरेक्ट ये स्टेप नहीं लिख सकता मैं, इसमें काफी सारे ये लिखे थे ना मैंने, डायरेक्ट ये लिख दिया ए यूनियन ए में। इंटरसेक्शन के लिए वो चीज दोनों सेट में दिखानी पड़ती है, तभी उनकी इंटरसेक्शन में जाएगी, तभी वो कॉमन आएगी।
अकेले एक सेट में हो के वो चीज कॉमन नहीं आ सकती। तो वाई ए से बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज, ये लिख सकता हूं वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। भाई सेम सेट में दो बार दिखने में कोई दिक्कत है? दो बार क्यों लिखा? क्योंकि अगली ही बारी में मैं दिखा दूंगा दोनों में लाई कर रहा है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा। वाई ए में बिलोंग कर रहा है, ए में जा रहा है, ए में जा रहा है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा। यानी फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट आप ए से लोगे वो सारे एलिमेंट कहां बिलोंग कर जाएंगे? ए इंटरसेक्शन ए में। ए किसका सबसेट हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए। सेकेंड, फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के सबसेट हैं, एक दूसरे के इक्वल। यस और नो? एनी डाउट? पक्का? चले नेक्स्ट पे। सेकंड देखना, थ्योरम सेकंड। आइडेंटिटी लो, ए यूनियन फाइव वापिस ए होता है, यह हमें पता भी है कि खाली सेट के साथ किसी भी सेट की यूनियन करोगे, यूनियन का मतलब होता है ए के भी सारे फाइव के भी सारे, फाइव में कुछ है नहीं तो उसमें ए के ही वापिस आएंगे, तो वापिस कौन सा सेट बन गया? ए ही बन गया। दिखाने के लिए वही एक दूसरे का क्या दिखाना है? पहले मान के चलूंगा लेट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन फाइव से। यूनियन का मतलब क्या होता है? कि दोनों में से किसी भी एक सेट में लाई करेगा वो ना, कम से कम एक में करेगा, इधर वाले में करे या इधर में करे या दोनों में भी कर सकता है। बट मुझे ये तो पता है ना फाइव में तो कोई एलिमेंट लाई नहीं करता। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड फाइव तो एम्प्टी है ना, फाइव से तो बिलोंग कर ही नहीं सकता, पक्का है फाइव तो खाली है। तो इसका मतलब यूनियन में किसकी वजह से आया होगा? ए की वजह से आया होगा, ए में था तो यूनियन में आ गया, अदरवाइज तो खाली था फाइव तो। सो दिस इंप्लाइज एक्स किस में बिलोंग कर गया? यानी इस तरह से जितने भी एक्स मैं लूंगा वो सारे एक्स किस में बिलोंग कर जाएंगे? ए में। ए यूनियन फाइव किसका सबसेट हो गया? इक्वेशन वन। यस और नो? हाँ नहीं, सीधा नहीं लिखना, ऐसे एक दूसरे के सबसेट प्रूव करने हैं, ये प्रॉपर्टीज है इनको प्रूव करना है। इन प्रॉपर्टी का आगे जो क्वेश्चन एग्जांपल होंगे उनमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो। हाँ तो बस फिर वही प्रूव किया, दो लाइन में यूं लिख के प्रूव किया है, वही किया है रीजन, मैंने भी तो वही रीजन दिया है। फाइव एम्प्टी है उसका मतलब ये दिखा रहा हूं कि फाइव से तो बिलोंग कर, ये तो रूल होता है, दो सेट को इक्वल दिखाओ तो एक दूसरे का सबसेट दिखाओ, तो बेसिक चीज है, बेसिक डेफिनेशन तो प्रूव करेंगे ना। एक्स बिलोंग्स नहीं, आगे जो एग्जांपल है ना उनको हम सबसेट की बजाय ये प्रॉपर्टी यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं। एक्स बिलोंग कर रहा है वाई मान लो, जरूरी नहीं, वाई बिलोंग कर रहा है ए में, दिस इंप्लाइज वाई ए में बिलोंग कर रहा है बट वाई फाइव में नहीं है,
फाइव में तो कोई भी नहीं है, नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है? यूनियन में तो पक्का चला जाएगा, यूनियन में तो दोनों के जाते हैं। तो यहां से क्या हो गया, फॉर ऑल वाई जितने भी ए से बिलोंग कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज वो वाई कहां से कर जाएंगे, ए यूनियन फाइव से। तो ए किसका सबसेट हो गया, ए यूनियन फाइव का। इक्वेशन टू, फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू ए यूनियन फाइव इज इक्वल्स टू ए, एनी डाउट? ठीक है, ओके। 5-7 मिनट लिए थे, वो आपके पूरे हो गए। ठीक है, तो मैं आगे कल करवाऊंगा। होमवर्क में फिलहाल 1.3 तक ही है, जितना कर सकते हो उतना कीजिए। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रूफ सीखेंगे हम काफी अच्छे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।